बलियापुर के उत्क्रमित उच्च विद्यालय डांगापाड़ा में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं तथा 154 बटालियन प्रधान खंड इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार सहित समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शहीदों के सम्मान में वीर वीरांगनाओं के आंगन की मिट्टी देश के कर्तव्य पथ पर अमृत वाटिका बनाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इससे देश के शहीदों को सम्मान और सच्ची श्रद्धांजलि दी जाएगी। मौके पर उत्क्रमित उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजेंद्र कुमार मंडल, उप प्रमुख आशा देवी, स्वपन कुमार महतो, शिक्षक संजीव महतो, दिलीप रजक, कृष्ण प्रसाद, मोहम्मद कलीम, मंटू मोहन रवानी, उपेंद्र गुप्ता आदि सैकड़ों शामिल हुए। देखिए, मेरा माटी मेरा देश हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया जा रहा है, और यह एक संदेश दिया जा रहा है सभी के बीच में कि ये हमारे देश के जितने भी वीर और वीरांगनाएं शहीद हुए हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए, उनके लिए एक सम्मान दिया जा रहा है। इसमें देश के विभिन्न राज्यों से जहाँ जहाँ के हमारे जवान शहीद हुए हैं, उन राज्यों से, गांवों से लगभग 7500 कलशों में वहाँ की माटी हमारे दिल्ली अमर वाटिका में जाएगी, और फिर वहाँ एक गार्डन बनाया जाएगा और उनके नाम पे पौधारोपण करके एक गार्डन विकसित किया जाएगा। देखिए, जो प्रधानमंत्री का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है मेरी मिट्टी मेरा देश के तहत आज हम लोग रैली निकाले हुए हैं। इसमें एक वीर वीरांगनाओं के सम्मान के लिए जो हम भारत सरकार है उनके द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है, और अभी गांव-गांव में ये चलाया जा रहा है मेरी मिट्टी मेरा देश, जिसमें सभी गांवों से मिट्टी को मतलब लिया जा रहा है क्लास में, और उसे दिल्ली में इंडिया गेट के सामने जो वाटिका बनेगा उसमें शामिल किया जाएगा, ताकि इसमें वीर और वीरांगना को एक सम्मान दिया जाए। इसका जो कार्यक्रम है मेरा माटी मेरा देश, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का सबसे व्यापक प्रोग्राम है जो हमारे यहाँ बलियापुर में हो रहा है, और हमारे स्कूल के बच्चे इस प्रोग्राम में भाग लिए हैं, जिससे मुझे बहुत ही हर्ष हो रही है। और यह जो प्रोग्राम है यह हर गांव हर गली में होना चाहिए, ताकि सभी को पता होना चाहिए कि हमारे देश के जो जवान है देश के लिए क्या किए हैं और उन्होंने क्या बलिदान दिए हैं। इसलिए प्रोग्राम सभी जगह होना चाहिए, और ये यहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहा है इसे देखकर हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है, और इस प्रोग्राम में भाग लेने के बाद मुझे और ही ज्यादा ही हर्ष हो रही है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए धनबाद झारखंड से सिंधु कुमार की रिपोर्ट। एपमेक इज ऑल सेट टू लॉन्च 15th एडिशन ऑफ मीट एट आगरा। 27, 28, 29 अक्टूबर को अवश्य आए। स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेड सेंटर, जो हमारे सप्लायर्स हैं उनको भी मजबूत करते हैं, और हर साल कोई ना कोई नई चीज यहाँ पे एग्जिबिट होती है। एंड दिस फेयर इज गोइंग टू बी ए वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। यह भारत सहित दुनिया के फुटवेयर ट्रेड से जुड़े उद्यमियों के लिए एक मौका है। बिकॉज इंडिया इज बूमिंग एट द मोमेंट एंड आगरा बीइंग द बिगेस्ट क्लस्टर ऑफ फुटवेयर, लेदर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों से आग्रह है, वो चाहे आगरा के हो या आगरा के बाहर के हो, कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। एंड इट इज गोइंग टू गिव ए बूस्ट एंड एक्सेप्ट द चेंजेस वी हैव टू एक्सेप्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। 27, 28, 29 अक्टूबर को इन आवर स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेड सेंटर एट आगरा। यू आर ऑल इन्वाइटेड फॉर द शो।